नागर और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। कर्क राशि वालों, हम जानते हैं कि जीवन में कुछ अजीब गरीब हालात से गुजर रहे हैं। कुछ कार्य तो आसानी से हो रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य लंबित पड़े हुए हैं। भरपूर मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिल रही है। धनु कुछ कार्य के चलते तनावग्रस्त स्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन अब थोड़े ही दिनों में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि 2022 में जो होने वाला है उन्हें स्वयं बेदादा भी नहीं रोक सकते। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का राशि परिवर्तन का प्रभाव, शनि की दया का प्रभाव कैसा रहेगा आपके जीवन में, प्रेम परिवार व्यवसाय व्यापार को लेकर क्या स्थिति रहेगी, शनि का प्रभाव आपके जीवन पर क्या असर डालेगा। शनिदेव 29 अप्रैल को 22 जुलाई को दो बार परिवर्तन करेंगे। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ढाई महीने के बाद 12 जुलाई 2022 को फिर से उल्टी गति से चलते हुए यानी कि वक्री अवस्था में फिर से मकर राशि में आएंगे। इनके आधार पर जानते हैं कि शनि देव के स्थान परिवर्तन से कर्क राशि के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, कहां दिक्कत रहेगी और कहां सचेत रहना होगा। तो आइए जानते हैं सत्य सनातन और सटीक भविष्यवाणी में। 29 अप्रैल 2022 से कर्क राशि पर शनि देव की दया चालू होगी, जिससे कर्क राशि पर कुछ अच्छे तो कुछ बुरे प्रभाव पड़ेंगे। इससे कर्क राशि वालों के अंदर अंत चेतना का संचार होगा और परिणाम स्वरूप वह आध्यात्मिक और धार्मिक विकास के शुभ अवसर प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन किसी भी कार्य में प्रथम प्रयास में सफलता मिलने में संदेह है तो कुछ रुकावटें आएगी, तत्पश्चात ही सफलता मिल पाएगी। अतः आपको अपने कार्य के प्रति ऊर्जा बनाए रखनी होगी। इस दौरान कर्क राशि के जातकों को बिजनेस और नौकरी में फायदा हो सकता है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे थे उनको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, तो जो जातक खुद का धंधा करना चाहते हैं उनको भी अवश्य ही लाभ मिलेगा। यदि आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होगी और इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप राजनेता है तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, परंतु अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दे, बाकी आपके मान सम्मान को ठेस भी पहुँच सकती है। स्त्री के कारण आपका अपमान हो सकता है तो थोड़ा संभल कर चले। इस समय के दौरान शनिदेव आपके सातवें भाव में भी गोचर करेंगे, जो कि गृहस्थ और वैवाहिक जीवन का है। तो इस समय जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, परंतु यह सब तब होगा जब आपके अंदर का अहंकार नष्ट होगा, तो वही आपको जीवन साथी से अलग भी रहना पड़ सकता है। एक बार कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं ताकि आने वाले सभी परेशानियों का हल आप पहले से ही पा सके। परिवार में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और परिवार का कोई सदस्य आपके विचारों का विरोध भी कर सकता है। थोड़ा शांत रहकर समस्या का समाधान करना होगा। विवाह के योग्य जातकों के लिए शनिदेव थोड़ी रुकावटें पैदा कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप घर लेने की सोच रहे तो अवश्य ही शनिदेव की कृपा से आपको नए घर का सुख मिल पाएगा। शनि के इस भाव में भ्रमण के दौरान आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। आप ऊपर कुछ और अंदर से कुछ और ही रहेंगे। आपके प्रवृत्ति और विचार कुछ रहस्यमयी रहेंगे। अगर आपका कोई व्यवसाय पार्टनरशिप से चल रहा है तो दोनों के बीच अहम का टकराव भी हो सकता है, जिसके कारण आप मानसिक तनाव में भी रह सकते हैं। इस दौरान स्वास्थ्य की भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रहेगी और साथी तथा पिता की भी सेहत पर असर पड़ेगा। इनके स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। आपकी जीवन यात्रा में कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटित हो सकती है। शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप कुंडली का विश्लेषण द्वारा नीचे दिए गए उपायों द्वारा कुछ हद तक बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी अनैतिक कार्यों से दूर रहे और हर शनिवार शाम को सरसों के तेल का दिया जलाए और काली चीजों का ध्यान करें। इससे शनि के खराब प्रभाव से शांति बनी रहेगी। आप चाहे तो शनिदेव के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है, ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसके अलावा आप दशरथ स्तोत्र का भी पठन कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने दशरथ जी को वरदान दिया था कि जो भी इस मंत्र का जप करेगा उसको मेरी कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरुदत्त। जय।